ये हमारे किसान भाई जो लगा चुके हैं जी या लगाने की तैयारी में हो गए, तो इसमें कुछ रोग भी होते हैं, जी तो जी उसके बारे में बताएं, और सिंचाई की क्या आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। जी, जैसे इसमें रोग आपका ज़्यादातर होता है ब्लाइट रोग, और इसमें कीट जो लगता है वो तना छेदक कीट लगता है। अगर तना छेदक कीट लगेगा तो आप उसमें एक दानेदार दवा उसमें दीजिएगा, तो उसको कहाँ देंगे हम लोग, उसका जो ऊपर का जहाँ से आपका पत्ती निकलता है उसका सिरा जो होता है वहीं पर हम दो चार दाना आपको आपको ये दाना गिरा देना उस पर, तो उससे आपका कीट का नियंत्रण हो जाएगा तना छेदक का। सिंचाई के बारे में भी, हाँ, उसके लिए जो आप दवा देंगे उसका तो नाम फोरेट 10 करके है, उसका दाना का आप उसमें गिरा देंगे। इसके अलावा ब्लाइट जो है, ब्लाइट के लिए आप उस कार्बन डाइजिम का स्प्रे कर सकते हैं उस पर, तो उस ब्लाइट का नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप सिंचाई का आप बोल रहे थे, तो सिंचाई आपको क्योंकि हम लोग रबी में कर रहे हैं तो उसमें बारिश तो रहती नहीं है, तो आपको सिंचाई तो करना पड़ेगा बीच बीच में, तो उसको आपको बार बार देखना पड़ेगा कहीं ज़्यादा ना सूख जाए, और ज़्यादा पानी भी आपको नहीं देना है, तो सप्ताह या 2 सप्ताह में आप उसको सिंचाई करते रहेंगे, तो उसमें आपको वही ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा पानी दीजिएगा तो आपका मरने का चांस रहता है, तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में दें, मतलब हिसाब से दें कि नमी रहे, बस उतना ही आपको। अच्छी उपज के लिए वो किन किन बातों पर ध्यान दें? इसके लिए आपको समय पे बीज लगाना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में आप खाद पानी दें, उसमें समय पे सिंचाई दें, समय पे खाद दें, और खरपतवार का नियंत्रण करें। अगर इन चीज़ों का आप अच्छे से करते हैं तो आपको तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको।